नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। सभी मीडिया सर्वेक्षणों, एग्जिट पोल और पोल पंडितों की भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार हरियाणा के चुनावों में लगातार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है, उसकी गूंज अब दूर दूर तक सुनाई दे रही है। लोकसभा चुनावों में 240 सीटों पर सिमट जाने के बाद कांग्रेस और इंडी गठबंधन का लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास खिला दिया है और अब प्रधानमंत्री मोदी पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन 8 अक्टूबर को आए हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों ने बाजी पलट कर रखती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत का जहर घोलने वालों, अग्निवीर से लेकर फ्री राशन जैसी सरकारी नीतियों के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को ये अहम प्राप्त संकेत मिल गया है। हरियाणा की जनता ने निराशावादियों की ओर से फैलाई जा रही निराशा को उन्हीं की ओर वापस फेंक दिया है। हरियाणा के परिणामों से पूरे भारत की जनता आनंदित है। हरियाणा में भाजपा की ये जीत कई मायने में ऐतिहासिक और परिणाम मूलक है, क्योंकि इस विजय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं और समर्थकों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है, जो आगामी सभी विधानसभा चुनावों, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ को घेरने की दृष्टि से बसपा जोर आजमाइश करने की तैयारी करने जा रही थी, लेकिन हरियाणा में गठबंधन के साथ उसको जोरदार झटका लगा है और अधिकांश सीटों पर जमानतें जब्त हो गई हैं। हरियाणा की जनता ने बसपा की विचारधारा को नकार दिया है। चुनाव परिणाम आने के पश्चात विजयी और पराजित दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी समीक्षा प्रारंभ कर दी है। हरियाणा में भाजपा ने विधानसभा चुनावों में पूरा ध्यान बूथ प्रबंधन पर रखा, तो वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में विजय संकल्प यात्रा निकाली। लेकिन राहुल गांधी के ओछे बयानों और हरकतों से भूपिंदर सिंह हुड्डा की रणनीति परवाह नहीं चढ़ पाई। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को आगे किया, लेकिन कुमारी शैलजा के साथ उनकी अनबन से कांग्रेस की आंतरिक कलह बाहर आ गई। वहीं विश्लेषकों का अनुमान है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में संघ का सक्रिय सहयोग भाजपा की बड़ी जीत में अहम रहा है। भाजपा और संघ के नेताओं की समन्वय बैठक हो जाने के बाद डॉक्टर मोहन भागवत ने भी 3 दिन तक हरियाणा का प्रवास किया और इसका स्वयं सेवकों के बीच सकारात्मक संकेत गया। हरियाणा में संघ ने हिंदू समाज को एकजुटता का संदेश देते हुए 16,000 जनसभाएं कर वातावरण बना दिया। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अदृश्य शक्ति के रूप में भाजपा की सहायता कर रहा था। वहीं यूपी सीएम योगी ने भी हरियाणा के 14 सीटों पर प्रचार किया था और उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट होकर राष्ट्र के लिए वोट देने की अपील की थी। सीएम योगी ने अपनी एक रैली में कहा था कि हमें राष्ट्र के लिए एक होना पड़ेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया था। योगी जी ने स्पष्ट रूप से अपील करते हुए कहा था कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, अगर हिंदू एक नहीं होंगे तो हमारे देश का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। योगी जी ने राम मंदिर पर भी बयान दिए थे। योगी आदित्यनाथ के भाषणों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयासों से हरियाणा में हिंदू जनमानस एकजुट हो गया और उससे मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले दलों के होश उड़ गए। हरियाणा में हिंदू जनमानस को राहुल गांधी के अटपटे बयानों के कारण भी एकजुट होना पड़ गया, क्योंकि हरियाणा की जनसभाओं में राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का एक बार फिर विकृत तरीके से अपमान करते हुए कहा था कि वहां पर मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब वहां नाच गाना चल रहा था। इस बयान का हरियाणा की राम भक्त जनता पर विपरीत असर पड़ा और परिणाम आप सबके सामने है। राम मंदिर पर राहुल गांधी के बयान हरियाणा कांग्रेस के लिए सबसे बड़े पनौती सिद्ध हुए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर जमकर भारत विरोधी बयानबाजी की और यहां तक कह डाला कि जब उन्हें आभास होगा कि अब भारत के हालात अच्छे हो गए हैं तब वो आरक्षण समाप्त कर देंगे और इसे बदल देंगे और इस प्रकार वो अपने ही बुने जाल में फंस गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि अगर बीजेपी 400 पार चली जाएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी। हरियाणा की जनता को कांग्रेस परिवार की बकवास पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही एक बार फिर अपना समर्थन दे दिया। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ,
देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रिदम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रिदम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रिदम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।